वो बताया, और सच्चाई के रास्ते पर भी चलकर, किसी की भलाई भी कर, किसी का अच्छा भी कर, किसी को बीमारी से निजात भी कराकर, अच्छा कर भी आप कैसे पैसा कमा सकते हैं, ये सिखाया उन्होंने। ये कलयुग का जमाना है जहां पे इंसान को सिर्फ आगे बढ़ना है, चाहे उसके लिए इंसान इंसान को रौंद क्यों ना दे। पर आज भी इस कलयुग में भी एक शख्स आया जिसने आपको बताया कि मुमकिन है कि आप सही करके भी, अच्छा करके भी पैसा कमा सकते हैं। और यहां आप पैसे के साथ साथ एक बहुमूल्य चीज कमाते हैं, और वो है दुआ, ब्लेसिंग। और जहां कुछ काम नहीं करती ना, वहां दुआ काम करती है, राइट? तो आपके साथ लाखों लोगों की दुआएं भी जुड़ी हुई हैं, करोड़ों लोगों की दुआएं भी जुड़ी हुई हैं। लेट मी टेल यू, वो दिन दूर नहीं जब आप सभी सफलता की सीढ़ियों को चूमेंगे। तो आइए, उस दिग्गज को यहां पर बुलाने के लिए हमें क्या करना है, आप सभी लोग अच्छे से जानते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, जब आप कुछ अच्छा करने जा रहे होते हो ना, और खासकर जब आप सच्चाई के रास्ते पे चलना जा रहे होते हो, तो बड़ी मुसीबतें आती हैं। ये आसान नहीं रहा, ये सफर उनके लिए भी आसान नहीं रहा, बहुत मुश्किलें उन्होंने भी देखी, पर वो मुश्किलों के आगे हताश नहीं हुए। मैं सर के लिए ये कहूंगी कि कहते हैं कि हर शीशा पत्थर से टूट जाता है, तू तलाश कर उस शीशे की जो पत्थर को तोड़ दे। हर शीशा पत्थर से टूट जाता है, तू तलाश कर उस शीशे की जो पत्थर को तोड़ दे। मुश्किलों के आगे हताश मत होना, हौसला दिखाना, इतना दिखाना, इतना दिखाना कि आपका हौसला देखकर साला मुश्किलें अपना रास्ता मोड़ ले। आइए उनको बुलाते हैं जो अपने जुनून, अपने जज्बे के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने आपके भविष्य की निर्माण की है, जिन्होंने आपको सपने देखना सिखाया है, जिन्होंने आपके सपनों को पूरा कराया है, और आप सबसे वादा किया है कि आप इस सिस्टम से करोड़पति नहीं बल्कि अरबपति बनेंगे। तो आइए, मैं देख सकती हूँ बहुत सारे लोगों के हाथ में स्मार्टफोन है, टॉर्च ऑन हो चुकी है, जिनकी हाथों में स्मार्टफोन्स हैं और अभी भी टॉर्च ऑन नहीं हुई, आपसे रिक्वेस्ट है जल्दी से अपने फोन की टॉर्च लाइट ऑन कर लीजिए। द फ्लैश लाइट, ये टिमटिमाती रोशनी से हम उनको यहाँ पर बुलाएंगे, सभी के फोन ऊपर। लेट्स वेव इट अप इन द एयर, ऑल टुगेदर, तैयार हैं, तैयार हैं। तो चलिए, क्योंकि आपके हाथ में फोन है तो शायद तालियां बजाना आपके लिए ना हो, पर शोर मचा सकते हैं, तो उस शोर के साथ आइए मंच पर आमंत्रित करते हैं हमारी कंपनी के एमडी, हमारे सीईओ साहब, लेडीज एंड जेंटलमैन, शोर मचाते हुए लेट्स वेलकम।
बहुत धन्यवाद। आप सबके दूर दूर से आए हुए भाई बहन बुजुर्ग हमारे सभी साथी हिंदुस्तान के कोने कोने से आप जहां से भी आए हैं आप सबके चरणों में संजीव कुमार प्रणाम करता है। और आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता है कि आज आप लोग इस ऐतिहासिक क्षण के साक्षी बने। ये जो ऐतिहासिक फंक्शन है शंखनाद, इसमें आपने अपनी उपस्थिति दर्ज करा के मैं कह सकता हूं कि डायरेक्ट सेलिंग के स्वर्णिम इतिहास में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई है। तो मैं आप सभी भाइयों बहनों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं और आप सबको धन्यवाद करता हूं इतना प्यार देने के लिए, इतना सम्मान देने के लिए। थैंक यू सो मच। और आज का दिन डायरेक्ट सेलिंग के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, एडब्ल्यूपीएल के इतिहास में बहुत बड़ा दिन है, क्योंकि जो बात यह नहीं है कि किसी ने क्या कमाया, बात यह है कि डायरेक्ट सेलिंग में आज तक एक हफ्ते में किसी ने इतना नहीं कमाया। और सबसे बड़ी खुशी की बात मेरे लिए भाई, क्योंकि जब 2014 में हम ये कंपनी लाए थे और जब ये प्लान में लोगों को समझाता था तो हर आदमी कहता था दोगे क्या 5.5 करोड़, दोगे क्या 1 करोड़, दोगे क्या 95 लाख। तो मैं जब भी कहता था कि ये संजीव कुमार का हाथ है 5 करोड़, क्योंकि ये कंपनी मेरी नहीं है, ये कंपनी आप सभी लोगों की है, ये आप लोगों के लिए बनी है। मैं तो इसमें एक वर्कर हूं, आप सबका सहयोगी हूं, क्योंकि मैं भी आप भी की तरह एक दिन ऐसे ही फंक्शन में आया था और सबसे पिछली सीट पे बैठा था और मेरा भविष्य इस इंडस्ट्री ने बदला है, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री ने बदला है। इसीलिए दुनिया का भविष्य बदलने के लिए मैंने 2014 में फैसला किया कि यही इंडस्ट्री है जो एक गरीब आदमी का। अरे लाइव कर रहा हूं भाई, मेरा कोई पैसा कमाने का शौक नहीं था, मेरा शौक था कि मेरी जिंदगी कैसे बदली। आज कितना अच्छा लगा जब अमित दुबे सर यहां पर आए, तो मैं तो मतलब भावुक हो गया था। और मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं तहे दिल से अमित दुबे जी आपको कि आपने हिंदुस्तान की डायरेक्ट सेलिंग के लिए ही नहीं, हिंदुस्तान के हम माइलस्टोन स्थापित कर दिया है। जो बच्चे बेरोजगार 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 की दुहाई देते हैं, उन सभी बच्चों को आज अमित दुबे सर आपने एक उम्मीद जगा दी है कि किसी को अब नौकर बनने की जरूरत नहीं है, अमित दुबे बनो, मालिक बनो। और शिव कुमार सर बहुत बहुत बधाई आपको देता हूं कि आपने अमित दुबे सर जैसे बहुत से बच्चे, बहुत से यंगस्टर जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहे थे, जीवन में उथल पुथल मची हुई थी, क्या करें क्या ना करें, क्या कर पाएंगे क्या नहीं कर पाएंगे, आपने उन सबका सहयोग किया, साथ दिया
और शिव कुमार सर आपने भी ये साबित किया कि एक बिहार का गरीब लड़का खुद करोड़पति नहीं दुनिया को भी करोड़पति बना सकता है। तो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और सबसे बड़ा धन्यवाद महिपाल सर आपको कि आपने ये साबित कर दिया कि नेक नीयत के साथ, ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ अगर कोई व्यक्ति काम कर रहा है और उसे एक सच्चा व्यक्ति मिल जाए तो वो दोनों मिलके दुनिया पलट सकते हैं। आज आपके AWPL में आने की वजह से मैं कहता हूं AWPL में 4 चांद लग गए सर, आपने तो अचीवरों की लाइन लगा के रखते हैं। और मैं एक बात और कह रहा था कि महिपाल सर अब गाड़ी की चाबी देनी करेंगे 2-3 साल बाद बंद, अब 2 हेलीकॉप्टर की चाबी बहुत थोड़ी गाड़ी की। भाई दे सकते हैं हम AWPL वाले, कुछ भी कर सकते हैं, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए इतना भी। और आपके सामने देके दिखाएंगे क्योंकि अपने तो क्या है, भगवान ऊपर जब स्टेज पे होते तो अपन तो बोलते नहीं, कोई बुलवाता है अपने से। ये गारंटी है आज आप सब लोगों से वादा है, मेरे इस जन्म में मैं आज एक निर्णय करता हूं कि अगले 10 साल में ये कंपनी 10,000 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर करेगी। नंबर एक मेरा वादा है हिंदुस्तान की जनता से, और मैं वादा निभाऊंगा, बस इतना ही निभाऊंगा, इसके आगे मेरी जनरेशन निभाएंगे। दूसरा, लिख के ले जाओ, रिकॉर्ड करके ले जाओ, 10-15 साल बाद देख लेना, हिंदुस्तान में भारत की धरती को 1,000 अरबपति AWPL पैदा करके देगी, 1,000 अरबपति। इस जन्म में मेरा वादा है आपसे, अब कैसे होगा छोड़ दो, भगवान करेगा, आप लोग करोगे। और लोग 2 करोड़पति, 10 करोड़पति, 20 करोड़पति की बात करते हैं, लिख के लो, AWPL में 1,00,000 लोग करोड़पति बनेंगे, इसी सदी में बनेंगे और इसी सदी में बनेंगे। ये सब कॉन्फिडेंस के पीछे एक ही कारण है कि जब मैं आया था जब भी यही कहता था कि अगर आपकी नीयत सच्ची है, आप ईमानदार हो, ऑनेस्ट हो, परमात्मा से बंदे हो, कभी झूठ नहीं बोलते, झूठे वादे नहीं करते, जो कहते हो वो करते हो, तो ये जो यूनिवर्स है ना, ये आपकी कोई बात नहीं काटता। इंसान गद्दारी कर सकता है पर भगवान गद्दारी नहीं कर सकता। दोस्तों आज 10 साल हो गए, आप सबके प्यार से, आप सबके आशीर्वाद से 10 साल में जहां तक मेरी नॉलेज है, मेरा एक्सपीरियंस है, देश में सबसे ज्यादा करोड़पति पैदा किए हैं AWPL, और आगे भी करते रहेंगे। अब ये तो बात हो गई करोड़पतियों की, मैं जब से फंक्शन में आया हूं यहां बैठा था, कभी इधर देखता था, कभी इधर देखता था, कभी उधर देखता था, और मैं यही देख रहा था कि कितने लोग उठ रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं, कितने लोग देख रहे हैं, कितने लोग फोकस्ड हैं। होता क्या है दोस्तों, आप इस फंक्शन में आए, आपको लग रहा अभी तक आपको ये नहीं पता चला होगा कि आप क्यों आए। आप एक बात बताइए, ये फंक्शन तो करने की कोई जरूरत नहीं थी, जिसको 5.5 करोड़ आने उसको आ चुके, जिसको 2,85,00,000 रुपए आने उसको आ चुके, वो गाड़ी खरीद लेगा, घर खरीद लेगा, पैसे उसके, तरक्की उसकी, रैंक उसका, फिर आप लोगों को इसका साक्षी क्यों बनाया? तो मैं वहां बैठे बैठे देख रहा था, कुछ लोग यहां पर करोड़ों की बात हो रही है, अरबों की बात हो रही है, कामयाबी की बात हो रही है, सक्सेस की बात हो रही है, फिर भी कुर्सी पे इधर से उधर, उधर से उधर, कोई फोकस नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। और कुछ लोगों को मैंने देखा है जब से आए एक ही जगह बैठे हैं और स्टेज स्टेज और बार बार स्टेज पे देख रहे हैं और बस यही चाह रहे हैं कि एक दिन होगा जब मैं यहां पर खड़ा हूं, ऊपर देख रहा हूं।
और याद रखना, ये जितने आप लोग ऊपर बैठे हो और जो आखिरी कुर्सी पे बैठा है, उस व्यक्ति को समझाने के लिए, उस व्यक्ति को भरोसा दिलाने के लिए और यकीन दिलाने के लिए कि यहां पर कोई स्पेशल आदमी तरक्की नहीं करता, ये डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। या गरीब का बच्चा अमीर बनता है, किसान का बेटा अमीर बनता है, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में जाता है, अपर मिडिल क्लास अपर क्लास में जाता है और अपर क्लास हाई क्लास में जाता है। या कोई जात पात नहीं है, कोई धर्म मजहब नहीं है, या कोई डिग्री नहीं है। ये अनपढ़ भी बड़ा बन सकता है, पढ़ा लिखा भी बड़ा बन सकता है, बिना पढ़ा हुआ भी बड़ा बन सकता है, बुजुर्ग भी बड़ा बन सकता है, जवान भी बड़ा बन सकता है, महिला भी पैसे कमा सकती है, पुरुष भी पैसे कमा सकता है। कोई ऊंची जात नहीं, कोई नीची जात नहीं, यहाँ सिर्फ एक की जात है, इंसानियत की जात। एक की पढ़ाई है, कॉन्फिडेंस, आत्मविश्वास। और आत्मविश्वास कोई जरूरी नहीं है कि बीए पढ़े हुए को आएगा, बीटेक को आएगा, एमटेक को आएगा, एमएससी को आएगा। आत्मविश्वास किसी गरीब को भी आ सकता है और किसी अनपढ़ को भी आ सकता है। यहां पर जो आपको बुलाया गया कि आइए एक कामयाबी के साक्षी बनिए, आइए, एक बहुत बड़ी रिकॉग्निशन होने वाली है, 6 करोड़ का चेक, 5.5 करोड़ का चेक मिलने वाला है, उसके साक्षी बनिए। इसलिए नहीं बुलाया गया कि आप आइए, ताली बजाइए, बाहर रोटी खाइए, ब्रेकफास्ट कीजिए और चले जाइए। इसलिए नहीं बुलाया आपको, सिर्फ इसलिए बुलाया था ये समझाने, ये बताने, ये यकीन दिलाने, ये भरोसा दिलाने कि ये जो 5.5 करोड़ कमा रहा है, ये जो 2.85 करोड़ का चेक ले रहा है, वो किसी अंबानी। आपको ये यकीन और ये भरोसा दिलाने के लिए बुलाया गया था कि आप लोग डरो मत, घबराओ मत, रुको मत, कंफ्यूज मत हो, अपनी आंखों से देखो कि जब एक किसान का बेटा अमित दुबे कर सकता है, किसान का बेटा शिव कुमार कर सकता है, किसान का बेटा महिपाल कर सकता है और ये सब मिडिल क्लास वाले कर सकते हैं, तो बस एक आत्मविश्वास देने के लिए आपको बुलाया था, एक यकीन, एक भरोसा कि जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। भरोसा आया है, यकीन हुआ है, आत्मविश्वास आया है। मैं आपको एक बात बताता हूं दोस्त, मैं भी किसान का बेटा हूं, मेरे पिता भी कोई फैक्ट्री नहीं चलाते थे, मुझे भी किसी ने ऐसी फंक्शन में बुलाया था, मैंने भी किसी को ऐसी कामयाब होते देखा था। मैंने बस एक की बात करी थी कि जब ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। अरे करना क्या है, कोई पढ़ाई थोड़ी पढ़नी है, कोई डिग्री थोड़ी लेनी है, कोई इन्वेस्टमेंट थोड़ी करनी है, कोई पैसे थोड़ी लगाने हैं, कोई फैक्ट्री थोड़ी बनानी है, कोई दुकान थोड़ी बनानी है। क्या करना है, सिर्फ आत्मविश्वास से लोगों से जाके बात करनी है। क्या बात भी नहीं कर सकते, क्या बात भी नहीं कर सकते। अरे करना क्या है, एक व्यक्ति बीमार क्यों हो रहा है उसको बताना है कि तू क्यों बीमार हो रहा है, वो ठीक कैसे होगा उसको बताना है तू ठीक कैसे होगा, अपने आयुर्वेदिक प्रोडक्ट का, अपने फूड सप्लीमेंट का प्रचार प्रसार करना है, दुखी लोगों के दुख दूर करने हैं, बीमार लोगों को बीमारियों में सहयोग देने वाले प्रोडक्ट प्रमोट करने हैं, गरीब को कामयाबी प्रमोट करनी है, बेरोजगार को रोजगार प्रमोट करना है। इस अच्छे काम को करने से क्या होगा, उससे क्या फायदा होगा, वो फायदा बताना है। क्या गूंगे हो, क्या गूंगे हो, जवान चला सकते हो, बता सकते हो, तो और क्या करना है। अरे जो टाइम तुम कल तक गप मार रहे थे, इसी जवान से गप मारने में खराब करते थे, अब इसी जवान से करोड़ों कमाने में इसी जवान का इस्तेमाल करना है। दोस्तों 18 साल
साल है मुझे इस इंडस्ट्री में, लाखों ट्रेनिंग ली है, लाखों लोगों से मिला हूं, करोड़ों लोगों से मुलाकात है। बहुत सोचता हूं, मंथन करता हूं कि क्यों एक जैसा प्रोडक्ट, एक जैसा प्लेटफॉर्म, एक जैसी कंपनी कर सकता है? कुछ नहीं करना, हिंदी में बात करनी है। कोई हां करेगा, कोई ना करेगा, कोई प्रोडक्ट खरीदेगा, कोई नहीं खरीदेगा, पर यहां पर फिर भी कम लोग कामयाब क्यों होते हैं? तो मुझे एक ही जवाब मिलता है, ये जितने बैठे हैं ना, जितने भी तुम, जितने भी इधर से इस कोने से उस कोने तक जितने भी हो ना, फिजिकली तुम बहुत मजबूत हो, तुम कभी हारे नहीं हो जब तुम्हें चीजें अपने अनुसार मिली है। तुम थके हुए भी नहीं हो, तुम डरे हुए भी नहीं हो, तुम फेलियर भी नहीं हो, लेकिन कहां तक? जहां तक तुम्हारी सोच जाती है, बस वहां तक। तुम नौकरी कर ले तो आठ से आठ, गुलामी कर ले तो आठ से आठ, नहीं थकते तुम, नहीं हारते तुम। तुम खेती कर ले तो धूप में जाके, सर्दी में, बरसात में, नहीं थकते तुम, नहीं हारते तुम, नहीं डरते तुम। तुम हर छोटा मोटा काम कर लेते हो जहां तक तुम्हारी सोच जाती है, कहीं नहीं हारते तुम, कहीं नहीं थकते और कहीं नहीं डरते। और जहां तक तुम्हारी सोच नहीं जाती, अगर वो काम तुम्हें दे दिया जाए तो तुम डर जाते हो, तुम घबरा जाते हो। मेरे दोस्त, आज का दिन है सोच बढ़ा के जाना, सोच बढ़ा के। तुम कमजोर नहीं हो, तुम्हारी मानसिकता कमजोर है। अगर इसी धंधे में मैं तुम्हें कहूं कि बेटा महीने के 10,000 कमा सकता है, यस सर करेंगे, महीने के 5,000 कमा सकता है, यस सर करेंगे, लेकिन तू महीने के 5 करोड़ कमा सकता है, महीने के 50 लाख कमा सकता है, महीने के 5 लाख, डर लगता है, घबरा तू, ये नहीं हो सकता मेरे साथ, ये नहीं कर पाऊंगा मैं, ये नहीं होगा मेरे से। करके देखा है क्या? करा है क्या? प्रयास करा है क्या? 1-2 साल समय दिया है? नहीं, होगा ही नहीं। अरे कारण क्या है नहीं होगा? कारण यह है कि मैं इतना बड़ा सोचता ही नहीं। और दोस्तों याद रखना, जो इंसान सोचता नहीं वो कभी होता नहीं। अब आप मुझे बताओ, हमारी कंपनी में जिसने 5.5 करोड़ का चेक बनाया है और अकाउंट में डाला है शिव कुमार के, वो अकाउंटेंट है, उसकी तनख्वाह 30,000 रुपए महीना है, वो पिछले 6 साल से 5-5 करोड़ के, 2-2 करोड़ के चेक बना रहा है और लोगों के अकाउंट में डाल रहा है, और उसको आज तक भी एहसास नहीं हुआ कि तू दुनिया के अकाउंट में डाल रहा है, तेरे अकाउंट में भी कोई डाल सकता है, छोड़ नौकरी, ये कर ले ना। मतलब फर्क कहां है? फर्क कहां है? फर्क कहां है? सोच में। सोचने के पैसे लगते हैं क्या? हाँ, क्या लगता है सोचने में? सोचने में एक आवाज ही तो देनी है ऊपर। मैंने भी तो सोचा था कि हिंदुस्तान की नंबर वन कंपनी बनेगी, हिंदुस्तान में इतने लोग करोड़पति बनेंगे, इतने बड़े बड़े चेक मैं दूंगा, जो सोचा था हो गया ना। अरे ये यूनिवर्स कहता है, ये ब्रह्मांड कहता है, तूफान क्या चाहिए? दिल से अपनी चाहत मुझे भेज, मैं तेरी चाहत पूरी करा के तुझे वापस दूंगा। चाहने के पैसे लगते हैं क्या? सोचने के पैसे लगते हैं क्या? तो सोच लो, सोच लो, मानसिक रूप से क्यों कमजोर हो? अरे नहीं होगा तो नहीं होगा, क्या हो गया? 2-3 साल के लिए मेहनत कर लो, 2-3 साल काम कर लो, 2-3 साल काम सीख लो, जो आपके सीनियर बता दे ऐसे कर लो। अगर नहीं हो गया, नहीं हुआ 3 साल में, तो क्या हो गया? अभी कौन सा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो तुम? अरे जहां के मारे जाओगे बस। और हो गया तो, अगर अमित दुबे ने सोचा होता तो, शिव कुमार ने सोचा होता तो, अध्यक्ष ने सोचा होता तो, नहीं होगा तो आज का इंजेक्शन लगा रहा होता और शिव कुमार के डंडा लेके बैंक के सामने खड़ा होता।
इन्होंने भी यही सोचा था, हो गया तो, अरे नहीं हुआ तो जैसे थे वैसे रह लेंगे, हो गया तो हम भी दुनिया के हीरो बन के रह लेंगे, इस स्टेज पर आ जाएंगे। मानसिकता बढ़ाओ, सोचना शुरू करो, हम बड़े बनेंगे। गरीब पैदा हुए ये मजबूरी है, पर गरीब नहीं बनेंगे ये कमजोरी है। हाँ, मैं मरता गरीब अगर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता, मुझे भगवान ने मौका नहीं दिया होता तो मैं भी गरीब मरता। मैं नहीं कहता मैं अमीर बनता, ना मुझसे बना जाता, क्योंकि मुझे कोई पूछने वाला नहीं था। मैं पढ़ा लिखा नहीं था, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा नहीं था, कोई टैलेंट नहीं था। मैं मरता गरीब अगर मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला होता तो। लेकिन जिस दिन मुझे अमीर बनने का प्लेटफॉर्म मिल गया, तब मैंने कसम खा ली, अब नहीं मरेंगे गरीब, अब तो बनना ही है अमीर। प्लेटफॉर्म है, मौका दिया भगवान ने। आप अगर नहीं मरे तो गलती भगवान की है तुम्हारी। क्या सोचना, ये मत सोचो तुम्हारा नाम आज बदल दो, तुम किस नाम से, छोड़ो तुम्हें सीख के जाना ना ये फंक्शन में क्या लेके, तो बोलो एक ही बात, मैं बनूंगा अमित दुबे, मैं बनूंगा शिव कुमार, मैं बनूंगा महिपाल। बोलो जोर से बोलो, मैं बनूंगा महिपाल। बनोगे, जब महिपाल बन सकता है तो तुम भी बन सकते हो। दोस्तों, सिर्फ एक बात याद रखना, ये बॉडी यहां से चलती है। आदमी जैसा सोचता है जिंदगी में वैसा होता है। इवन आप एक बात देखो, मैं आपको एक बहुत छोटी छोटी सी बातों से बताता हूं कि सोचने की ताकत क्या है। आप लाइफ में रात को सोते हो, जब सोते हो तो ये सोचते हो कि मुझे सोना है, बस सोचते हो मुझे सोना है, बस सोचते हो मुझे सोना है। कब नींद आई, कैसे आई, किस प्रोसेस से आई, आंखें कब बंद हुई, आज तक पता नहीं चला, बस सो गए। आपके दिमाग ने सोचा, आपकी बॉडी सो गई। इसी तरह बस सोचना है, मुझे करोड़पति बनना है। ये बॉडी कब बना देगी पता ही नहीं चलेगा। ये ब्लॉकेज खोल दो, ये मेंटल ब्लॉकेज खोल दो। खुद को कमजोर समझना बंद करो। जब माइंड में ब्लॉकेज होता है तो बॉडी पैरालाइज हो जाती है, पता है ना, पता है नहीं पता। ये ब्लॉकेज खोल के जाओ यहां से, ये मत सोच के जाओ, अरे कोई यार, ये जितने आगे बैठे हैं ना, कोई अरबपति का बेटा नहीं है, सब तुम्हारे और मेरे जैसे परिवार से निकल के आए हैं। ये ब्लॉकेज खोलो और ये सोचो और चैलेंज लेके जाओ यहां से, जब ये कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। बस ये बॉडी, ये यूनिवर्स, आदमी जैसा सोचता है वैसा होता है। आप रात को सोते हो और ये सोच के सोते हो सुबह 4 बजे उठना है, आपकी बिना अलार्म के आंखें खुलती है नहीं खुलती। आप सोचो कैसे खुली आंखें, आपने सोचा था बस रात को सोने से पहले, आपकी आंखें खुल गई। आपको मालूम है सोया हुआ शरीर मर्द शरीर बराबर होता है, जैसे मरा हुआ व्यक्ति ऐसे सोया हुआ व्यक्ति। सोचो जब आपकी एक सोच सुबह उठने की इस मरे हुए शरीर को जगा सकती है, तो ये जगी हुई सोच, ये मजबूत सोच, ये जगे हुए आदमी को कहां पहुंचा सकती। आज से बड़ा सोचोगे
ये जिंदगी का, आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन जाएगा दोस्त। आपकी लाइफ का, आपका दिन जिंदगी का सबसे बड़ा दिन बन जाएगा, मैं बता रहा हूँ। रिजल्ट भी आएंगे, प्रोडक्ट भी बिकेंगे, प्लान भी चलेगा, लोग जुड़ेंगे भी, पैसे भी कमाओगे, टीमें भी बनेंगी। बस इस गेट से निकलने के बाद ये मत सोचना मैं कमजोर हूं। इस गेट से निकलने के बाद पैर निकालते, पहला कदम डालते बोलना, मैं हूं आने वाले समय का करोड़पति। तब आपका यहां आना सफल होगा, तब आपका हमसे मिलना सफल होगा, तब आपका इतनी दूर दूर से ट्रेनों में बसों में धक्के खा के पूरे दिन बैठना सफल होगा। तुम यहां फंक्शन देखने नहीं आए थे, तुम यहां खुद को आत्मविश्वास देने आए थे, भरोसा देने आए थे, यकीन देने आए थे कि जब ये सब कर रहे हैं एक दिन मैं भी करूंगा और वहां से यहां मिलूंगा, वहां से यहां मिलूंगा, वहां से यहां मिलूंगा। तैयार है? तैयार है? अब देखो मेरे अपलाइन कौन है मालूम है? तुम्हारा तो कोई अपलाइन है, मेरे अपलाइन तुम सब हो। अब मेरे तो इतने सारे अपलाइन हैं, अब मेरे सारे अपलाइन करोड़पति बन जाएंगे, मैं डालना ना रहा हूं। तो अपनी मानसिकता बढ़ा के जाओ। क्या बढ़ा के जाओ? क्या बढ़ा के जाओ? क्या बढ़ा के जाओ? अरे घर जाए झोपड़ी का हो, सोच महलों में रहने की होनी चाहिए। और सोचने के पैसे नहीं लगते, सोचने पे कोई हमें रुका रोक नहीं सकता। सोच सकते हैं ना? सोच सकते हैं ना? और आपकी सोच में हर कदम, आप एक कदम बढ़ो कंपनी दो कदम बढ़ेगी, आप दो कदम बढ़ो कंपनी चार कदम बढ़ेगी। जो सोच के लाओगे AWPL से ले जाओगे, क्योंकि दुनिया कंपनी लाती है कमाने के लिए और AWPL आई थी बांटने के लिए। दोनों में बहुत फर्क है दोस्तों, बहुत फर्क है। मैं ये कहता हूं ये इंडस्ट्री दुनिया की सबसे खूबसूरत इंडस्ट्री है, क्योंकि यही वो इंडस्ट्री है जहां से आकर एक कमजोर आदमी, एक गरीब आदमी, एक थका हुआ रुका हुआ एक टूटा हुआ आदमी भी खुद को साबित कर सकता है। उस इंडस्ट्री का नाम है डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। और उसमें भी जो आप लोगों की कंपनी है, जो आप लोगों ने आज हिंदुस्तान के घर घर पहुंचा दी है, और पूरा हिंदुस्तान आज आप लोगों को सल्यूट करता है कि AWPL के फाइटर है, AWPL के फाइटर है। तो इन ये सब प्यार मोहब्बत आशीर्वाद आपने जो दिया 10 सालों में, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस जन्म तो क्या, 1000 जन्म भी मिल जाए तो एक ही बात सोचूंगा, हर जन्म में AWPL कंपनी हो और संजीव उसका MD हो और आप सब मेरे साथी हो। तो थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, विश यू ऑल द बेस्ट। और आने वाले अरबपतियों को एक बार फिर नमस्कार, थैंक यू सो मच।